गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल लर्निंग विद फन। ये देखिए कक्षा 3 का शाब्दिक आकलन है। हमें पता है कि 11वें सप्ताह में शाब्दिक आकलन करना है, तो इसमें देखिए ये पहला आपका पहला जो है शाब्दिक आकलन प्रपत्र है, जिसमें देखिए संख्याएं लिखी हैं, बच्चों को देना है और ऐसे करना है। मान लीजिए ये हमारे पास आकलन प्रपत्र नहीं है, अगर हम प्रिंट आउट निकलवा लेते तो ठीक है, नहीं भी निकलवाते हैं तो आप मूर्त चीज को रख के गिनवा लीजिए और आकलन कर सकते हैं। जैसे बच्चों के पास पेंसिल है, पेन है, बॉटल है, कोई भी चीज़ रख दीजिए, बच्चों को इतनी संख्या गिनवा करके उनका आकलन करिए और उनसे कहिए कि कॉपी पे इसको लिख दें। देखिए दी गई संख्या के बराबर नीचे बॉक्स में गोले बनाएं। ये सब कार्य बच्चे कॉपी में कर सकते हैं। पांचवा प्रश्न यहाँ दिया है, समान संख्या के अनुसार चित्र का मिलान करें। जैसे या तो आप ब्लैकबोर्ड पे बना लें या फिर इसमें जैसे पत्ती है, फूल है, रबड़ है और पेंसिल है, कुछ भी कुछ चीज़ों का समूह बना दें। चार रबड़ इधर रख दें, पेंसिल इधर रख दें, ऐसे करके बच्चों को अमूर्त चीज़ों से करवा सकते हैं। टेबल पर रख दें और चौक दे दें बच्चों से, कहें कि इसको मिला दीजिए। इस तरह भी हम लोग कर सकते हैं। ये देखिए शाब्दिक आकलन 2 है, इसमें बंडल बनवाना है। बंडल हम माचिस के थ्रू भी बनवा सकते हैं, अगर प्रिंट आउट निकल सकता है, लेकिन सब बच्चों के लिए निकलना थोड़ा पॉसिबल नहीं हो पाता है, तो हम ये काम कर सकते हैं। कंकड़ या माचिस की तिल्ली या कुछ भी जो हमारे पास परवेशी चीज़ उपस्थित है, उससे हम ये सब आकलन किया जा सकता है। समान संख्या के अनुसार मिलान करना, जैसे मैंने कहा था, आप कुछ भी लिख लें, फूल, पत्ती, कंकड़, और संख्या इधर रख दें और इधर आप टेबल पे ही संख्या लिख दें और बच्चों को चौक दे दें, कहते हैं मिलाने के लिए। बंडल बनाना है, दहाई का देना है, इसमें जैसे 10-10 का बंडल बनाएं, इकाई दहाई और संख्या लिखें। बंडल जैसे बच्चों को वही है, माचिस की तिल्ली दें, बंडल बनवाएं, जितनी खुली संख्या है उसको इकाई पर लिखवा दें और जितना बंडल बनता है वो दहाई में चला जाएगा। बच्चों को पहले से ये हमारा जब साप्ताहिक आकलन किए थे तो ये बच्चों को हम लोगों ने सिखाया भी था, इसी तरह से करना है। शाब्दिक आकलन 3, फिर बंडल बनाना है, इकाई दहाई और संख्या लिखें। जैसे जैसे बच्चे क्वेश्चन का आंसर देंगे, जैसे 1, 2, 3, 4, 5 5 क्वेश्चन हैं, अगर बच्चे अगर हमारे 5 क्वेश्चन में से 3 क्वेश्चन दे देते, यानी 50% से ज़्यादा दे रहे हैं, तो वो हमारे बी में चले जाएंगे। और जो 50% से, यानी 5 में से अगर 2 ही आंसर दे पा रहे हैं, 2 क्वेश्चंस के आंसर दे पा रहे हैं, तो उसको हम ए सबू में डालेंगे और उसके साथ हम लोग उपचारात्मक शिक्षण करेंगे। देखिए जो बच्चे मूर्त चीज़ों से हो सकता है वो हो सकता है, नहीं तो आप इसको एक प्लेन पेपर पे लिख लीजिए, बाद में आने वाली संख्या इसको बना लीजिए और कार्यपत्र के रूप पे, और जैसे ट्रांसपेरेंट एक पॉलिथीन आती है जिसमें सारे पैक होते हैं, कुछ भी ऐसी चीज़ जो ट्रांसपेरेंट हो, उस पॉलिथीन में आप इसको डाल देंगे तो इसको आप रीयूज़ कर सकते हैं। आप बच्चों से इस पर भरवा दें उसी वर्कशीट पे, और कॉटन से या गीले कपड़े से जब स्केच पेन को वाइप करेंगे, पोंछ देंगे, तो वो हट जाएगा। इसको आप 10, 15, 20, 30 कितना भी उससे बच्चों का आकलन एक प्रपत्र से आप कर सकते हैं। एक बार की मेहनत लगेगी, लेकिन बार बार इसको नहीं करना पड़ेगा, एक ही को बार बार यूज़ किया जा सकता है। ये देखिए शाब्दिक आकलन 4 है, इसमें भी इकाई दहाई और संख्या लिखना है। संख्याएं ठीक पहले, ठीक बाद में, बीच में, ये बच्चों को हम लोग पढ़ा चुके हैं। रिक्त स्थान की पूर्ति करना है, देखिए दहाई और इकाई दी और बीच में संख्या लिखवाना है बच्चों से। शाब्दिक आकलन 5, रिक्त स्थान पर संख्या लिखें। ये बच्चों को देखिए ये बढ़ते क्रम में है, 23, 33, ऐसे बच्चों से पूछना है और उनका आकलन करना है। इकाई और दहाई में लिखें ये संख्या। वर्कशीट अगर आप एक बार तैयार कर लेंगे और उसको पॉलिथीन ट्रांसपेरेंट पेपर में लगा देंगे तो उससे आसानी से आप आकलन कर सकते हैं। इसके आगे मैं बताऊँगी कैसे ट्रैकर भरना है। ये शाब्दिक आकलन 6 है, देखिए 23 से 92 तक की संख्या लिखें। चित्रों को जोड़कर लिखें, चित्र दिए हुए हैं, अगर चित्र बना सकते हैं ब्लैकबोर्ड पे तो ठीक, नहीं तो जैसे मूर्त चीज़ें हैं, पहले भी बताया, पत्ती, फूल, कंकड़, पेंसिल, कुछ भी चीज़ रख करके बच्चों से ऐड करवा लीजिए, और जो ब्लैकबोर्ड पे कर सकते हैं या कार्यपत्रक बना सकते हैं उसके थ्रू करवा लीजिए।
शाब्दिक आकलन, देखिए चित्रों की सहायता से घटाना, घटाना पे आ गए हैं शाब्दिक आकलन। अब सात है ये आठ पे आ गए हम, जोड़ करना है दस एक एक और दस एक एक, सब अलग अलग करके दिया है बच्चे, इसको जोड़ के मिला के बताएं। यहाँ मिलान करना है, हल करें, जोड़ करें। शाब्दिक आकलन नौ है, इसमें भी ऐसे ही घटाने का चिन्ह दिया हुआ है, घटाना जोड़ चिन्ह के द्वारा बच्चे करेंगे। दस देखिए घटाव करें, गुणा के रूप में लिखें और हल करें। इसमें देखिए सात दिया हुआ है, तो कितनी बार दिया हुआ है, एक दो तीन चार पाँच छः, तो यहाँ पर छः लिख देंगे गुणे सात और ऐसे लिख देंगे। गुणा का एक रूप है जो जोड़ के रूप में बताया गया है। आइए देखते हैं कि शाब्दिक आकलन ट्रैकर कैसे भरना है। हमें सप्ताह 11 में करना है। यहाँ बच्चों का नाम भर लेंगे, अनुक्रमांक है और एक से दस तक आकलन प्रपत्र के सप्ताह एक दो तीन ऐसे लिखे हुए हैं। शाब्दिक आकलन प्रपत्र एक इसमें के द्वारा किया जाएगा, शाब्दिक आकलन प्रपत्र दो, शाब्दिक आकलन प्रपत्र तीन, चार, पाँच, अलग अलग प्रपत्र एक एक दिन के लिए किया जाएगा और 10 दिन तक ये आकलन हमारे चलेंगे। देखिए इसमें जैसे पहले भी बात हो चुकी है कि 15% से कम जो बच्चे बनाएंगे, 5 क्वेश्चन हैं उसमें से कोई बच्चा 2 ही क्वेश्चन बता रहा है तो वो ए ग्रेड में जाएगा। इसमें हमको नंबर नहीं देना है, हमको ग्रेडिंग करनी है। और अगर 50% से अधिक बता रहा है तो बी में जाएगा। 5 क्वेश्चन है, 3 या 4 या 5 बता रहा है तो बी में जाएंगे। ऐसे ही हमें प्रत्येक आकलन प्रपत्र के द्वारा ये आकलन बच्चों का कर लेना है और उनको ग्रेडिंग करनी है। जो बी वाले बच्चे हैं होंगे उनको रेमेडियल करना है और बी वाले बच्चों को जो है, जो तेज हैं बच्चे, उनके साथ हमें पुनरावृत्ति रिवीजन कराना है और ए वाले बच्चों के साथ हमें उपचारात्मक रेमेडियल टीचिंग करनी है। ऐसे सारे बच्चों का हम आकलन कर लेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।